नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ रितु तोमर। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गांव की गवर्नमेंट में। यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव में थोड़ी देरी हो सकती है। पहले माना जा रहा था कि फरवरी के दूसरे सप्ताह तक अधिसूचना जारी हो जाएगी और मार्च से वोटिंग शुरू होकर अप्रैल में चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, लेकिन अब सूचना है कि ये चुनाव अप्रैल में शुरू हो सकते हैं। इस बार ग्राम क्षेत्र और जिला पंचायत के चुनाव एक साथ होंगे। फिलहाल ले चलते हैं आपको हमारी खास पेशकश गाँव की गवर्नमेंट की ओर। तो गांव की गवर्नमेंट के तहत आज आपको ले चलते हैं बाराबंकी जिले की देवा ब्लॉक के गौरैया ग्राम पंचायत की ओर, जहां असिस्टेंट एडिटर स्वाति चौरसिया ने गांव का दौरा किया। गांव की गवर्नमेंट में देखिए इस गांव की हकीकत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और मैं हूं स्वाति चौरसिया और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम गांव की गवर्नमेंट में। आज हम हर जिले में जा रहे हैं, हर गांव में जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं पंचायती चुनाव और उसके मद्देनजर न्यूज वन इंडिया अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हर गाँव तक पहुँच रहा है और आप तक वो पुख्ता खबर पहुँचा रहा है की कितना प्रधानों ने काम किया है, काम किया भी है या फिर नहीं। तस्वीरों में दिख रहा ये विकास किसी शहर का नहीं बल्कि बाराबंकी जिले के देवा ब्लॉक की गौरैया ग्राम पंचायत का है। इस गांव के कायापलट की शुरुआत आज से करीब 10 साल पहले उस समय हुई जब ग्रामीणों ने कोमल प्रसाद रावत को अपना मुखिया चुना। 2010 से लेकर 2015 तक ग्राम प्रधान कोमल प्रसाद रावत ग्रामीणों की उम्मीद पर खरे उतरे और कोमल प्रसाद रावत पर जनता ने एक बार फिर से भरोसा जताया है और प्रधानी का ताज उनके सिर 2015 ग्राम प्रधान चुनाव में भी चढ़ा दिया। जब उन्होंने कार्यभार संभाला था तब उनके लिए गांव का विकास कराना किसी चुनौती से कम नहीं था, बस उनके पास था तो केवल उनका जज्बा, जिसके बाद से ही उन्होंने गांव के विकास के लिए काम शुरू कर दिए। आज गांव में कोई भी कमी नहीं है, जरूरतमंद ग्रामीणों के पास आज पक्के मकान है, सभी घरों में शौचालय की सुविधा है। आज लोग ग्राम प्रधान कोमल प्रसाद रावत के काम से खुश नजर आ रहे हैं। गांव में बनाई ये प्राथमिक विद्यालय किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। कायाकल्प योजना से इस सरकारी स्कूल की काया ही पलट गई है। यहां पर पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए स्कूल में हर सुविधा मौजूद है जो किसी प्राइवेट स्कूल में होती है। तो चलिए उसी की ही एक नजीर यहाँ पे मैं पेश करने जा रही हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाराबंकी जिले के ब्लॉक देवा के गौरैया गांव में और यहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय में मैं मौजूद हूँ। देखिए उच्च प्राथमिक विद्यालय गौरैया यहाँ पे मैं आई हूँ और आपको मैं बता दूँ फिलहाल यहाँ पे जब मैं अंदर आई हूँ तमाम यहाँ पे रंग रोगन किया गया है कायाकल्प योजना के तहत। आपको हम दिखा दें विद्यालय सुरक्षा शपथ क्या क्या चीजें उसमें आती हैं वो लिखा गया है। प्रधानाध्यापक का कक्ष यहाँ पर मौजूद है जो कि पेंटेड है, विज्ञान कक्ष है, स्काउट गाइड प्रतिज्ञा कि जब स्काउटिंग के लिए बच्चों को चुना जाता है तो उन्हें क्या कुछ करना होगा उसके बारे में तमाम जानकारी यहाँ पर दी गई है। साथ ही साथ अब हम आपको क्लासरूम्स के अंदर ले चलते हैं, क्या कायाकल्प योजना के तहत यहाँ पर काम हुआ है आइए जानते हैं। तो फिलहाल देखिए ये क्लासरूम, क्योंकि कोरोना की वजह से बच्चे नहीं आ रहे हैं और ये क्लासरूम है यहाँ पे अच्छा मेंटेन किया गया है, तमाम चार्ट्स लगाए गए हैं, डेकोरेशन किया गया है, साज सज्जा की गई है और ये दिखाने की कोशिश की गई है बच्चों को, चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश की गई है चीज़ों को। देखिए यहाँ पे ब्लैक बोर्ड भी मौजूद है क्योंकि कायाकल्प योजना के तहत न सिर्फ टाइलिंग और फ्लोरिंग के ऊपर ध्यान देना बल्कि क्लासरूम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी होनी चाहिए, बोर्ड्स होने चाहिए, चौक होने चाहिए, स्कूल के परिसर के अंदर ही अच्छे बाथरूम्स होने चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें कायाकल्प योजना के तहत आती है। चलिए अब आपको मैं दूसरे क्लासरूम में ले चलती हूँ, यहाँ पे भी आपको स्थिति दिखा देती हूँ। बच्चे नहीं आ रहे लेकिन टीचर्स यहाँ पे मौजूद हैं, होमवर्क दे देते हैं बच्चों को और ताकि बच्चे लगातार टीचर्स के टच में रहें, ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, तमाम होमवर्क चेक यहाँ पे किए जाते हैं और ये देखिए चार्ट्स के द्वारा बच्चों को चित्र दिखा करके यहाँ पर चीज़ें समझाई जाती हैं। ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड दोनों ही मौजूद हैं और ये देखिए यहाँ पर ये चार्ट्स के द्वारा बच्चों को ये चित्र बनवाए जाते हैं। ये चार्ट्स हैं, ये बच्चों ने बनवाए हैं या आप लोगों ने क्रिएट किया, आप लोगों ने लिखे? अच्छा, तो यहाँ पे टीचर्स भी मौजूद हैं तो आइए टीचर्स से भी हम बात कर लेते हैं। ये चार्ट्स मैम ये आप लोगों ने बनवाए हैं बच्चों से? बच्चों से बनवाए हैं, बच्चे आते थे हम उन्होंने बता दिया उनको मोबाइल से व्हाट्सएप द्वारा तो उन्होंने बच्चों ने बना दिया।
जी, और बच्चे मतलब इस वक्त आज छुट्टी है या फिर क्यों नहीं है बच्चे यहाँ पे? लॉकडाउन चल रहा था, उसके बाद ये कोरोना की वजह से बच्चे नहीं आ रहे हैं। अच्छा। तो उसको हम लोग काम व्हाट्सएप से वर्कशीट से देते हैं। अच्छा। बच्चों को यहाँ आना नहीं अलाउ है, पेरेंट्स आते हैं। अच्छा। वह काम ले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिलहाल अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए देखिए ये सब चीजें जी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि टीचर्स भी अपनी जो महत्व है उनका साथ ही साथ जो जिम्मेदारियां हैं वो समझें। अब भले ही बच्चे नहीं आ रहे लेकिन टीचर्स यहाँ पे मौजूद हैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए। कुछ बच्चे यहाँ पर शायद होमवर्क लेने के लिए आ गए हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आइए आप लोग, आइए बच्चों सामने आइए। आप यहाँ पर स्कूल नहीं चल रहा, आप होमवर्क लेने आए यहाँ पे? जी मैम। क्या काम करने के लिए आए? मैम वो काम देती हैं। तो मैम काम देती हैं, उनसे बात करने आए हैं जी। अच्छा, और आप बच्चे? कोचिंग पढ़ने के लिए यहाँ पे आए, मतलब स्कूल में आए हो, जो भी होमवर्क टीचर से लेके जाओगे और घर पे करोगे? यस मैम। तो देखिए बच्चे भी यहाँ पे सजग हैं, टीचर्स भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। भले ही कोरोना है लेकिन ये तमाम टीचर्स मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये पूरी फौज यहाँ पर तैयार है बच्चों को शिक्षित करने के लिए। गाँव में बनाए ये मिनी सचिवालय वही जगह है जहाँ पर गाँव के विकास के लिए रणनीति तैयार की जाती है। इस भवन के निर्माण से गांव की काया पलटने में बहुत मदद मिली है। आपको बता दें कि इसी भवन में गांव के प्रबुद्ध लोग बैठकर रणनीति बनाते हैं कि विकास की राह को किस ओर मोड़ा जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया है, अभी हाल दिखाए थे गोरैया गांव के विद्यालय का, और अब हम आ गए हैं यहाँ के मिनी सचिवालय में और यहाँ पर दिखाते हैं कि क्या कुछ काम हो रहा है, काम हो भी रहा है या नहीं। फिलहाल हम यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर सचिवालय के अंदर हम आए, यहाँ पर हमने देखा कि तमाम चीजें सचिवालय के अंदर मौजूद हैं जो पूरे ब्लॉक में वितरण की जानी चाहिए, वो भी वहाँ पे मौजूद है। साथ ही साथ दफ्तर भी है यहाँ पर जहाँ पे काम होता है। ये दफ्तर के अंदर हम आए, हमने देखा यहाँ पर तमाम चीजें, पेपर पत्री और जो कागजात इस्तेमाल होते हैं गांव वालों को तमाम सुविधा मुहैया कराने के लिए, वो भी हमने यहाँ पे देखी। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर एक कमरा है जहाँ पर ब्लॉक में जो सामान वितरण होना है उसके लिए भी यहाँ पर तमाम चीजें रखी हुई हैं। करीब 2500 की आबादी वाला ये गांव आज किसी भी सुविधा के लिए मोहताज नहीं है। 1600 वोटरों वाले इस गाँव में आज हर सुविधा मौजूद है। गांव में सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण कराया गया है जिससे लोगों को कोई असुविधा ना हो। कुल मिलाकर आज के दौर का ये गांव मॉडल गांव साबित हो रहा है। तो गोरैया गांव के एक शौचालय जो सामुदायिक शौचालय होता है वहां पर हम मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहां पर फिलहाल काम चल रहा है प्रधान द्वारा। आपको बता दें कोमल प्रसाद रावत जो यहां के प्रधान हैं वो यहां पे ये सामुदायिक शौचालय बनवा रहे हैं और भीतर अंदर काम चल रहा है। तो कुल मिलाकर के पीछे पानी की टंकी है और इसको सीमेंटेड बनवा दिया गया है। पहले शायद खस्ता हाल था ये शौचालय लेकिन इसको अब पक्का करवा दिया गया, सीमेंटेड करवा दिया गया है। तो ये तमाम तस्वीरें यहाँ के सामुदायिक शौचालय के पास से, ये देखिए तमाम तस्वीरें आपके सामने। और यहाँ पर ये टंकी बनवाने का भी काम चल रहा है, यहाँ पे ये टंकी बनवाई जाएगी ताकि पानी की किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, लोगों को किसी भी तरीके की समस्या यहाँ पर लोगों को ना। तो हमारे साथ यहाँ पर गोरैया गांव के तमाम लोग मौजूद हैं यानी कि गांव वाले मौजूद हैं, तो चलिए उनसे ही बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। देशराज। तो देशराज जी सबसे पहले ये बताइए कि गांव में कितना काम हुआ, आपको लगता है बीते 5 सालों में कुछ काम हुआ? विकास हुआ है पूरा गाँव में, बहुत विकास हुआ, पूरा काम हुआ है। 117 पट्टा हुए हैं और सब रोड खंजा हुआ है, RCC हुई है, लैट्रिन बनी है सबके लिए, सामुदायिक शौचालय बनवाया गया और सामुदायिक शौचालय भी बनाया गया है गांव में। ठीक है। और आपको आवास वगैरह की सुविधा मिली है गांव वालों को, आपको मिली या आपके आसपास के लोगों को मिली, गांव वालों को मिली? हाँ, सब लोग, जितने लोगों को मिलना था सब सबको मिली है और आई है जो वो भी मिलेंगी। और हमारे घर में एक जो है मतलब मिली है और लैट्रिन भी बनी हुई है, सब हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप जो यहाँ के प्रधान हैं कोमल प्रसाद, उनके काम से आप खुश हैं? हाँ खुश हैं, हम लोग सब सहमत हैं, खुश हैं। ठीक है। दोबारा से उनको लाएंगे या नहीं लाएंगे तो जनता जनार्दन ही तय करेगी, इनसे भी बात कर लेते हैं। चलिए एक बार फिर से दूसरे जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनसे भी बात कर लेते हैं, कैसा काम लगा आपको प्रधान द्वारा जो काम उन्होंने करा? हमने ये काम सब बढ़िया भवा, हमका बहुत खुशी है कि जितना प्रधान हमारे काम करे ना उनका सबसे ज्यादा खुशी। आपका क्या कहना है? हम ठीक है, प्रधान काम अच्छा किया है, सब जितना काम हुआ सब अच्छा हुआ है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो तमाम लोग हैं, जो जनता है गांव की यानी कि जो गांववासी हैं, उनका ये कहना है कि प्रधान ने काम अच्छा किया है। तो खुद अब हम प्रधान जी से जान लेते हैं कि
कैसे उन्होंने ये तमाम जो उनके सामने चुनौतियां दिया, जो काम नहीं करवाए गए थे पिछले प्रधान द्वारा, कैसे उन्होंने पूरा किया और कितना समय लगा। तो कोमल प्रसाद हमारे साथ प्रधान यहाँ पे मौजूद है। कोमल प्रसाद जी, कितना काम करवाया और कितना बाकी है जो आपको लगता है कि काम होना चाहिए? सबसे पहले तो हमने अपने यहाँ मतलब ये मिनी सचिवालय बनवाया, ये नहीं था हमारे यहाँ। फिर स्कूल का काम, बाउंड्री और ये जो रंग रोगन सब कराया गया, और फिर गांव में आरसीसी, खड़ंजा और महिपाल सिंह यादव को अपना मुखिया बना लिया। ग्रामीणों ने भरोसा जताया और प्रधानी का ताज उनके सिर 2015 ग्राम प्रधान चुनाव में चढ़ा दिया। जब उन्होंने कारभार संभाला था तब गांव के हालात बेहद ही खराब थे। उनके लिए गांव का विकास कराना किसी चुनौती से कम नहीं था, बस उनके पास था तो केवल उनका जज्बा, जिसके बाद से उन्होंने गांव के विकास के लिए काम करना शुरू कर दिया। आज का यह गांव शहरों से कदम मिलाता चल रहा है, बल्कि यह कह सकते हैं गांव में कोई भी कमी नहीं है। जरूरतमंद ग्रामीणों के पास पक्के मकान हैं, सभी घरों में शौचालय का भी निर्माण कराया गया। आज गांव के लोग ग्राम प्रधान महिपाल सिंह यादव के काम से खासे खुश नजर आते हैं। गाँव में बनाए प्राथमिक विद्यालय किसी कॉन्वेंट स्कूल से कम नहीं है। कायकल्प योजना के तहत इस सरकारी स्कूल की भी काया पलट चुकी है। यहाँ पर पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए स्कूल में हर वो सुविधा मौजूद है जो आज किसी कॉन्वेंट स्कूल में मौजूद होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और मैं हूँ स्वाति चौरसिया, और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम गांव की गवर्नमेंट में, जिसमें हम आपको हर गांव के चप्पे चप्पे में लेकर के जा रहे हैं और वहां पे कितना विकास हुआ है, क्या वादे जो किए थे प्रधान ने वो पूरे हुए कि नहीं, इससे आपको रूबरू करा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीतापुर जिले के ब्लॉक महोली के टिकरा रोसैया गाँव में, और आइए अब यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ की क्या बानगी है, कितना काम यहाँ पर किया गया है प्रधान द्वारा। इस वक्त मैं एक विद्यालय में मौजूद हूँ और ये प्राथमिक विद्यालय है, और देखते हैं यहाँ पर कि कितना सौंदर्यकरण जो कायाकल्प योजना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उसको कितना पूरा कर रहा है ये गांव और यहाँ का ये विद्यालय, उसी के एक बानगी को प्रस्तुत करेगा। देखिए यहाँ पर तमाम कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए भाषा एवं गणित की अपेक्षित दक्षताएं तमाम चीजें लिखी हुई हैं। सत्यमेव जयते प्रधानाध्यापक का ये कक्ष भी है, इससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल मैं आपको लेकर के चलती हूँ यहाँ पर, ये रूम है जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। फिलहाल जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि बच्चों को शिक्षित किया जाए, बच्चों तक अच्छी पढ़ाई पहुंचाई जाए, उसके मद्देनजर यहाँ पे तमाम पहाड़े लिखे हुए हैं। बोर्ड वगैरह कायाकल्प योजना के तहत है कि एक स्कूल के अंदर जो सुविधाएं होनी चाहिए वो है पानी की, बाथरूम, टॉयलेट की, ब्लैक बोर्ड, चॉक की, और साथ ही साथ वहाँ पर समरसेबल की इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि गांव का मामला है, बच्चों के भविष्य का मामला है, वहाँ पर बिजली ज़रूरी है, कोई भी बच्चा अंधकार के अंधेरे में ना पड़े। तो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड भी है, यहाँ पर ये देखिए तमाम क्लासरूम में पेंटिंग भी की गई है, यहाँ पर बच्चों को अंग्रेजी सिखाने के लिए A to Z अल्फ़ाबेट्स भी लिखे गए हैं, और हमारे स्वर जो हमारे व्यंजन है, जो स्वर है जो हमारी हिंदी भाषी है, उसके लिए यहाँ पे तमाम चीज़ें बच्चों को सिखाने के लिए इसका आयोजन किया गया है। और मेरे साथ यहाँ पर इस वक्त टीचर्स भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ये हमारे साथ प्रधानाध्यापक मौजूद हैं, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मैं सरनाम वर्मा, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय टिकरा रोसैया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप क्या कायाकल्प योजना के तहत, जो एक प्रधानमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो बच्चों को जिसके जरिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्लासरूम तक लेकर के आया जा सके उसको पूरा करना है, उसके मद्देनजर यहाँ पे क्या कुछ काम हुआ है? यहाँ पर कायाकल्प के तहत जैसे ग्राम पंचायत से हमारे यहाँ बाउंड्री वाल टूटी हुई थी, बाउंड्री वाल प्रधानाध्यापक जी ने, प्रधान के द्वारा बाउंड्री वाल बनाई गई है, और समरसेबल का कार्य, हैंड वॉशिंग का कार्य जो कि प्रधान के द्वारा कराया गया है, बाकी विद्यालय में जो वॉल पेंटिंग का कार्य है, शिक्षण से संबंधी ब्लैक बोर्ड्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारा कार्य मैंने विद्यालय के द्वारा जो विकास अनुदान है उसके द्वारा, और कुछ कमियां जो रही उसको अपने स्वयं के धन द्वारा मैंने विकसित किया है। और जो विद्यालय में किचन गार्डन है, इसमें मैं और रसोइयों की सहायते से इसमें जो दिखाई दे रहा है ये सारा सबके सहयोग से हुआ है, और हमारे साथ में हमारी सहायक अध्यापिका मोनिका जी हैं, इन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया है चार्ट्स वगैरह और विद्यालय को डेकोरेट करने में। यहाँ पर देखिए जो मुख्य चीज़ है एक विद्यालय के अंदर वो ये कि बच्चे पढ़ने आए, हालांकि कोरोना काल की वजह से इस वक्त बच्चों की संख्या में थोड़ी कमी है। यहाँ पे तमाम टीचर्स हमारे साथ मौजूद हैं, अभी हमने आपको प्रधानाध्यापक से मिलवा और अभी यहाँ पे अध्यापिका से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। हेलो, मेरा नाम है मोनिका, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय टिकरा रोसैया। तो यहाँ पर जो
आप क्या क्या देख पा रही हैं, बच्चे कितने हैं आपके यहाँ इस विद्यालय में, और पढ़ाई के अनुसार हम देखना चाहेंगे कि पढ़ाई को लेकर के कितने सजग हैं, यहाँ पे कितने बच्चे हैं क्लासरूम में? हमारे यहाँ 36 काउंटिंग में 36 बच्चे हैं, और कम से कम 25-30 की मात्रा में यहाँ स्कूल में आते हैं पढ़ने, और पढ़ाई के प्रति हमारे बच्चे बहुत जागरूक हैं। डेली उनको होमवर्क दिया जाता है, क्लास वर्क कराया जाता है, और संबंधित सभी स्वच्छता से, साफ सफाई से संबंधित बहुत सी बातें बच्चों को बताई जाती हैं, और अधिकतर सभी चीज़ें एक्स्ट्रा नॉलेज, जीके वगैरह सब पढ़ाया जाता है, इस पर ध्यान। ये अध्यापिका थी, इन्होंने बताया कि यहाँ पे क्लासरूम के अंदर क्या पढ़ाई की जाती है। कायाकल्प योजना कितना, देखिए ज़रूरी होता है ग्राम में, जब आप आते हैं, जब किसी गांव में आते हैं वहाँ पर कच्ची ज़मीन होती है, जो टाइलें हैं वो नहीं लगी होती, लेकिन यहाँ पे भले ही टाइलें नहीं लेकिन काम अच्छा मजबूत किया गया है। बच्चे यहाँ पे बैठ सकते हैं, खेल सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर बाहर भी वरांडा में इंटरलॉकिंग कराई गई है। ये देखिए इन तमाम तस्वीरों में मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से यहाँ बाहर इंटरलॉकिंग भी कराई गई है। अब आपको मैं लेकर के चलती हूँ जो प्रधानमंत्री की योजना, उसमें बेहद महत्वपूर्ण है कि बाथरूम, जो शौचालय हैं, उनको सही से बनाया जाए, उसमें अलग अलग हो, बालकों के लिए भी और बालिकाओं के लिए भी। ये तस्वीरें भी मैं साथ साथ, जब तक रास्ते में मैं हूँ वहां तक पहुंचती हूँ, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। स्वच्छ भारत मिशन, घर घर विद्या दीप जलाओ, लड़का हो लड़की हो सभी को पढ़ाओ। तो ये देखिए ये तमाम, ये वो बातें हैं जो सबको सीखनी चाहिए और बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इन सब चीजों का। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, खाना खाने से पहले, खाने के बाद धोए साबुन से हाथ, ये तमाम वो योजनाओं के आप एक तरीके से कह सकते हैं मुख्य बिंदु हैं, जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के एक तरह से उनके सपनों का हिस्सा है। चलिए अब हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं इस वॉशरूम की तरफ, ये बाथरूम टॉयलेट, ये शौचालय घर जो यहाँ पे बना हुआ है बालिकाओं के लिए, देखिए बेहद खूबसूरत बना हुआ है, बालिकाओं के लिए अलग यहाँ पे बनवाया गया है, और बालकों के लिए शौचालय का करें प्रयोग, पाए स्वच्छ काया और रहे निरोग, जरूरी है कि आप खुले में ना जाएं। और ये देखिए यहाँ पे बालिकाओं के लिए पूरा वॉशरूम बनवाया गया है, ये टॉयलेट बनवाया गया, और ये शौचालय का अलग हिस्सा बालकों के लिए, यहाँ पे इसको अलग अलग किया गया। साथ ही साथ पानी की भी व्यवस्था दुरुस्त की गई है, यहाँ पर नलके लगवाए गए हैं बड़ी संख्या में, यहाँ पे नलके भी लगे हुए हैं, तकरीबन 8 से 10 नलके यहाँ पे लगे हुए हैं, टाइल्स का काम करवाया गया है ताकि स्वच्छता का ध्यान रखा गया है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पर ये तकरीबन 8-9 नलके लगे हुए हैं। करीब 3500 की आबादी वाला यह गांव आज किसी सुविधा का मोहताज नहीं है। 2400 के आसपास वोटरों वाले इस गांव में आज वो हर सुविधा मौजूद है जो शहरों में मौजूद होती है। गांव में सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण कराया गया है जिससे लोगों को यह असुविधा न हो। कुल मिलाकर यह गांव आज के दौर में मॉडल गांव साबित हो रहा है। मिटे गंदगी भागे रोग, शौचालय का करें प्रयोग। और देखिए जिस तरीके से सामुदायिक शौचालय की बात उठती है बार बार कि गांव के अंदर सामुदायिक शौचालय होना चाहिए, जिसकी वजह से जो गांव के लोग हैं उन्हें खुले में शौच ना करने जाना पड़े, ये प्रधानमंत्री की योजना के तहत भी उनका भी इस तमाम योजनाएं रही हैं कि खुले में शौच के लिए हमेशा उन्होंने गुरेज किया है कि महिलाएं खुले में शौच ना जाए और बाकी लोग भी जो हैं पुरुष हैं वो भी शौच के लिए अलग से खुले में ना जाए। उसके मद्देनजर यहाँ पर ये पक्का शौचालय बनाया गया, यानी कि सीमेंटेड शौचालय यहाँ पे बनवाया गया है, तमाम यहाँ पे सुविधाएं दी गई हैं, लोहे का दरवाजा भी दिया गया है, टाइलें लगवाई गई हैं, और देखिए ऊपर दीवारों पर भी टाइलें लगवाई गई ताकि सफाई का ध्यान रखा गया है। यहाँ पे किसी भी तरीके से गंदगी हो तो उसको साफ करके पोंछ करके साफ कर दिया जाए, और साथ ही साथ यहाँ पर जमीन पे भी देखिए जो उसको कहते हैं ना फर्श पे भी यहाँ पे तमाम टाइलें लगवाई गई हैं। बिजली का मीटर भी यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे बिजली की भी सुविधा दी गई है कि किसी तरीके की परेशानी लोगों को ना हो। ऊपर यहाँ पे बल्ब की सुविधा दी गई है, और साथ ही साथ यहाँ पर अगर पानी गर्म करना हो या फिर सर्दियों का जिस समय है इस वक्त पानी गर्म करना हो या फिर मोटर वगैरह लगानी हो उसके मद्देनजर बिजली का कनेक्शन भी यहाँ पर दिया गया है। तो कुल मिला करके हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो यहाँ के प्रधान हैं उन्होंने जो तमाम योजनाएं हैं सरकार द्वारा लाई गई हैं उनको जमीन पर उतारा है, और ये तमाम सुविधाएं हमें इस गांव में देखने के लिए मिली हैं। ग्राम प्रधान महिपाल सिंह यादव ने अपने कार्यकाल में गांव में इतना विकास कराया कि ग्रामीण बेहद खुश है। तो वहीं 2021 के ग्राम प्रधान चुनाव में ग्रामीण उन्हें एक बार फिर मौका देना चाहते हैं।
तो देखिए इस गांव का जायजा तो हमने ले लिया, यहाँ पे किस तरह से काम हुआ है, क्या कुछ चूक रह गई और क्या काम हो गया। कुल मिलाकर के यहाँ पे फिलहाल स्थिति संतोषजनक लग रही है, यहाँ पे काफी कुछ काम करवाया गया है प्रधान द्वारा। तो आइए, ये मैं नहीं कहूंगी, ये हम इस गांव के लोगों से जानते हैं, जो गांव के वासी हैं वही बताएं आपको क्या क्या सुविधाएं मिली हैं, आवास को लेकर के हो, चाहे तमाम जो सुविधाएं, चाहे शौचालय को लेकर के हो या स्कूल को लेकर के हो, क्या कहना चाहेंगे? हमें आवास भी मिला है और नालियां भी बनी हैं, खरंजा भी लगे हैं, RCC रोड भी बनी है, पेयजल की व्यवस्था भी हुई है, समुचित ढंग से कार्य हुआ है और शौचालय भी बने हैं जिसमें शौच की क्रिया की जाती है और सभी लोग खुले में शौच न करके शौचालय प्रयोग करते हैं। ये बहुत सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है और ये ग्राम सभा में कार्य सम्पन्न हुए हैं। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि आप अपने ग्राम प्रधान महिपाल जी के काम से संतुष्ट हैं? जी, मैं संतुष्ट हूँ, पूर्णतया संतुष्ट हूँ। ठीक है, आप कितना संतुष्ट हैं अपने जो ग्राम प्रधान हैं उनसे, उनके कार्य से? ठीक है, हमें आवास मिली है, चीज मिली है, सब ठीक है, यहाँ गाँव में सब बना है, तो सब दुरुस्त है। यानी कि आपको लगता है कि 5 साल के भीतर जितने भी काम होने चाहिए वो उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से किए हैं? करे नहीं, पूरी जिम्मेदारी से। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? हमें आवास मिला है, सब चीज मिली है। ठीक है, हाँ। और यहाँ पर जो काम हुआ है उससे संतुष्ट है? लगता है कि कोई कमी अभी बाकी है कि वो भी पूरी होनी चाहिए? कमी नहीं है कोई, सब बढ़िया है। क्या क्या यहाँ सुविधाएं हैं आपके गांव? हमारे गांव सब चीज है। अच्छा, हाँ, चलिए। और आप? हमारी ग्राम पंचायत में सभी काम पूरा हो चुका है, सब अच्छा काम, बहुत बढ़िया सुविधा से चल रहा है 5 साल में। अच्छा, अच्छी बात है, प्रधान बढ़िया, हमारे यहाँ का प्रधान बहुत अच्छा है। तो इन्हीं को दोबारा दोहराएंगे? हाँ, दोबारा दोहराएंगे, चांस आएगा जरूर दोहराएंगे। तो चलिए, इनको दोबारा दोहराएंगे नहीं, ये तो हम जनता के ऊपर ही छोड़ते हैं कि जनता क्या सोचती है। जनता ही मुखिया होती है और वो ही तय कर सकती है कि क्या कुछ उनको अब आगे करना है। अगला चुनाव आने वाला है, तो हमारे साथ खुद ही यहाँ पर ग्राम प्रधान मौजूद है इस वक्त के, महिपाल जी यहाँ पर मौजूद है। महिपाल जी, हमने आपके गाँव की जनता से भी बात कर ली है, वो फिलहाल तो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। आप अपने काम से कितना संतुष्ट हैं और आपको क्या लगता है क्या क्या आपके सामने चैलेंजेस थे, क्या क्या आपके सामने चुनौतियां थी जिनको आपने पूरा किया, और आगे अगर आप दोबारा चुने जाते हैं तो क्या काम करेंगे? दोबारा चुने पर कुछ काम बकाया रह गए हैं, जैसे शौचालय पूरे नहीं हो पाए हैं, वो शौचालय पूरे करने का हमारा लक्ष्य है। आवास तो पर्याप्त। हमारे साथ इस वक्त यहाँ इस गांव के ग्राम प्रधान महिपाल जी भी मौजूद हैं, तो चलिए उनसे ही बात कर लेते हैं। महिपाल जी, कुल मिला के आपकी जनता से, जो इस गांव की जनता है उससे मैंने बात करी है, वो कुल मिला के तो आपके काम से संतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन आपके सामने क्या क्या चुनौतियाँ थी जिनको आपने पूरा किया है 5 साल में? मैंने 5 साल में नालियों की व्यवस्था सारी कर दी है, लगभग पूरी हो गई हैं, कलंजे भी पूरे हैं, RCC का काम हमने 5 गांव में करवाया है, इंटरलॉकिंग लगवाई है, स्कूलों में बाउंड्री वाल हमने पूरा करवा दिया है, शौचालय की व्यवस्था स्कूलों के अंदर वो भी पूरी करवा दी है, कुछ नालियाँ फेफ रह गई हैं वो बन जाएंगी। अगली बार अगर आपको चुना जाता है, देखिए ये तो जनता के सामने है, ये सब कुछ तो जनता के हाथ में है, अगर अगली बार भी चुना जाता है तो आप अपने गाँव के लिए और क्या क्या करना चाहेंगे जो इस बार कमी रह गई? कुछ नालियाँ बनने को रह गई हैं, कुछ इंटरलॉकिंग RCC पूरी करने के लिए रह गए हैं, बाकी आवास का लिस्ट जो है वो सरकार द्वारा लिस्ट पास हो गई है, वो मिल जाएंगे, पूरे पर्याप्त हो जाएंगे। जी शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के आज हमने इस गांव का जायजा लिया है, यहाँ पर हमें देखने को यही मिला है कि फिलहाल तमाम काम यहाँ पे किए गए हैं। आपको दिखा दूं, मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं, शौचालय, टंकी वगैरह सब दुरुस्त हैं यहाँ पर, फिलहाल जो मुझे यहाँ देखने को मिला है। और अगली बार भी देखिए जनता के हाथ में किसको चुनती है। फिलहाल यहाँ पर मैं आप सबसे लूंगी इजाजत, कैमरा पर्सन अतुल के साथ स्वाति चौरसिया, सीतापुर। तो गाँव की गवर्नमेंट की इस खास पेशकश में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।